नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। स्वास्थ्य विभाग के तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। कार्यक्रम आंगनबाड़ी की महिलाओं को तंबाकू के बारे में दी जानकारी। बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी की महिलाएं हुई शामिल। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी की महिलाओं को तंबाकू के बारे में जानकारी दी गई। तंबाकू किस तरीके से शरीर के लिए हानिकारक है और तंबाकू से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसी को लेकर आज आंगनबाड़ी महिलाओं को बताया कि तंबाकू कैसे छोड़ा जा सकता है। कोटपा अधिनियम के तहत जो कि तंबाकू नियंत्रण को बढ़ावा देता है, उसके लिए आज अजमेर शहर की आशाओं की संगोष्ठी की और उनको तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव रोकने के लिए और इसके जो कानूनी प्रावधान हैं उनको समाज को बताने के लिए अवेयर किया जा रहा है, और जिसमें ये सभी जगह अपने मोहल्लों में और गोष्ठी करके और ये बातें बताएगी कि तंबाकू से कैंसर हो रहा है और इवन ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, और जो तंबाकू का सेवन करता है उसके स्वास्थ्य के तो हानिकारक है ही, साथ साथ जो आस पड़ोस मोहल्ले बच्चे उनके लिए भी वो धुआँ बहुत हानिकारक है। और जो कोटपा एक्ट है उसमें उसकी जो धारा 21 है उसके अंदर कोई भी आदमी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस जैसे अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे कोई धूम्रपान सेवन करता है उसको 200 रुपये तक का चालान करने का भी अधिकार है जो संस्थान का हेड होता है। जिला कलेक्टर विष्णु शर्मा ने पत्रकारों से करीब वार्ता। स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की दी जानकारी। अजमेर जिला कलेक्टर विष्णु शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी। शर्मा ने बताया कि निर्वाचन साक्षरता क्लब से 14 से 17 वर्ष के बच्चों को शामिल कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चुनावी पाठशाला में प्रति गुरुवार को 1928 जगह पर वोट गुरु है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता साक्षरता क्लब कॉलेजों में चलाया जा रहा है और 33 राजकीय व निजी महाविद्यालय में युवाओं को वोट देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वोटर अवेयरनेस कार्यक्रम के जरिए भी जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। इन सभी कार्यक्रम के जरिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं विष्णु शर्मा ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को सवय मोटो संज्ञान के तहत नोटिस जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्थल पर राजनीतिक भाषण दिया था। ये अजमेर जिले में जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा जो जिला स्तरीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें निर्वाचन साक्षरता क्लब, डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑन इलेक्टोरल लिटरेसी जो कि करीब 928 स्कूल्स में चल रहे हैं और इसमें 14 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को शामिल कराया जा रहा है, और चुनावी पाठशाला जिसमें कि प्रत्येक गुरुवार को 1928 लोकेशंस ऐसे हैं जिसमें बीएलओ शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और वोट गुरु के माध्यम से लोगों को वोट के बारे में जागरूक करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ मतदाता साक्षरता क्लब जो कैंपस एम्बेसडर्स के नेतृत्व में चलाया जा रहा है जिसमें 33 राजकीय और निजी महाविद्यालय हैं जिसमें कि उसी तरह से जो 18 से 19 वर्ग के मतदाता हैं उनको जागरूक करने का प्रयास कैंपस एम्बेसडर्स के माध्यम से किया जा रहा है। वोटर अवेयरनेस फोरम ये प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी की अध्यक्षता में उनके ऑफिसेज में बने हुए हैं और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो डीएलओस के माध्यम से उनको जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। तो इन सभी अभियान के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि अजमेर ज़िले में मतदान का प्रतिशत बढ़े, मतदाता जागरूक हो और जो मतदान उसका जो अधिकार नहीं कर्तव्य भी है इसके बारे में वो जागरूक हो और 29 अप्रैल 2019 को मतदान केंद्र पर पहुंच के मतदान करें। सर अभी तक कितनी आचार संहिता के उल्लंघन की आपके पास शिकायतें आई और कितनी पे आपने एक्शन लिया? हमारे पास अभी तक शिकायत तो नहीं आई पर हमने सुओ मोटो एक संज्ञान में लिया है जिसके लिए नोटिस ERO के माध्यम से दिया जा रहा है। क्या थी सर वो? पुष्कर में जो भाषण दिया गया था राजनीतिक धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक स्थल पे जो राजनीतिक भाषण दिया गया था उसके बारे में नोटिस ERO के द्वारा पुष्कर SDM के द्वारा दिया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, उनसे रिपोर्ट लेंगे। CTD की टीम ने अजमेर समेत 4 जगहों का किया दौरा, 2 जिले किए गए चयनित।
संयुक्त सचिव भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देश के तहत राजस्थान की दो जिले हनुमानगढ़ व अजमेर को संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का केंद्रीय अतिरिक्त मूल्यांकन दिनांक 25 से 27 मार्च 2019 तक आयोजित किया गया है, जिसमें WHO, NTI बेंगलुरु तथा CTD के नम्र अधिकारी व अन्य सम्मिलित थे। टीम चार जगहों में डिवाइड हो गई है, जो अजमेर अराई ब्यावरण मसूदा पहुंचेगी। सर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट को रिव्यू करने के लिए सेंट्रल इंटरनल एग्जामिनेशन CTD की टीम आई हुई है। वो 25 तारीख से 29 तारीख का उनका प्रोग्राम था। दो डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में सेलेक्ट किए उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट अजमेर एंड डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। टीम 25 तारीख को यहाँ आ गई थी। टीम मेंबर्स 25 तारीख को आते ही चार यूनिट में डिवाइड हो गए, ब्यावर, अजमेर, अराई एंड मसूदा। टीम पूरा RNTCP का एवेल्यूशन के लिए कि TB प्रोग्राम स्टेट में एंड डिस्ट्रिक्ट में कैसा चल रहा है, इसके लिए उन्होंने पेशेंट्स की विजिट की, होम विजिट की, प्राइवेट डॉक्टर्स की विजिट की एंड हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध जो भी संसाधन है, लाइक DMC है, लैब की जांच है, नोटिफिकेशन रजिस्टर है, उन सब का रिव्यू टीम ने किया। साथ में फाइनेंशियल रिव्यू भी टीम ने किया। इसके पश्चात टीम 25 और 26 को टीम ने फील्ड का विजिट किया एंड 27 तारीख आज को उसके बाद फाइनल रिव्यू करने के लिए टीम यहाँ पर है। साथ में सभी MOTC, STS, STLS, NTBHP को यहाँ बुलाया गया है। CMHO साहब मीटिंग में आए हुए हैं। इससे पहले थोड़ी देर पहले कलेक्टर साहब से मिले थे टीम के मेंबर्स, तो कलेक्टर साहब को जो भी टीम ने इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं वो कलेक्टर साहब को ब्रीफ किया है एवं कल टीम द्वारा STDC का निरीक्षण किया जाएगा एवं परसों फाइनल रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सबमिट की जाएगी। हजरत मीरा साहब के उर्स पर खुदामे व पंचायत समिति की ओर से पेश हुई चादर अकीदत की चादर पेश कर मांगी अमन चैन की दुआ। हजरत मीरा साहब के उर्स पर आज खुदामे व पंचायत समिति की ओर से मीरा साहब की मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश कर देश में अमन चैन की दुआ की। मीरा साहब का इन दिनों उर्स चल रहा है, चैरनों की आवक जारी है। खुदामे पंचायत की ओर से चादर का जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में आशिकी चैरनों ने हिस्सा लिया। दरबार में चादर पेश कर देश में अमन चैन में भाईचारे की दुआ की। आज 18 रजब है। हर साल की मानदी इमसाल भी हुजूर मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह तारागढ़ अजमेर शरीफ के अंदर 16 रजब से 18 रजब तक आपका उर्स होता है। 16 रजब को मजार शरीफ को सुबह 4 बजे मेहंदी गुसल दिया जाता है और सवा मन मेहंदी और सवा मन धागा मजार शरीफ के चारों तरफ बांधा जाता है। वो तमाम खुदाम दरगाह मीरा सैयद हुसैन की जानिब से बांधा जाता है, उसमें ज़ाहरीन वगैरह सब मौजूद रहते हैं। 16 तारीख को गुसल के बाद में महफिल होती है और उसके बाद में 17 तारीख को शाम को मैनेजमेंट कमेटी दरगाह मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से लंगर आम किया जाता है और एक मखसूस तबरुकात है जो खुदाम दरगाह मीरा साहब को अधिकार के तौर पे, हकूक़ के तौर पे वो दिया जाता है मैनेजमेंट की जानिब से। फिर 17 तारीख की शाम को रात को 11 बजे महफिल का आगाज़ होता है, जो सुबह 3 बजे तक महफिल चलती है। उसकी सदारत हमारे जो खुदाम हजरात हैं वो करते हैं, जो हम इलेक्शन के ज़रिए चुने जाते हैं वो उसकी सदारत करते हैं। उसमें तमाम हिंदुस्तान, बैरून हिंदुस्तान, बाहर के तमाम ज़ाहरीन जो है उसमें शरीक होते हैं। इस साल काफ़ी तादाद में लोग आए। 18 रजब को यानी आज के दिन सुबह 9 बजे हताई चौक से पंचायत खुदाम सैयदगंज दरगाह मीरा साहब की जानिब से चादर का जुलूस रवाना होता है करीब 9 बजे। वो 10 बजे दरगाह शरीफ में पहुंचता है, दरगाह शरीफ में महफिल होती है, महफिल के पास में उस चादर को मजार शरीफ पे पेश किया जाता है। तमाम वो पंचायत खुदाम सैयदगंज दरगाह मीरा साहब की जानिब से पेश किया जाता है। फिर 11 बजे महफिल शुरू होती है, जो करीब करीब 1:15 बजे के आसपास जो है वो महफिल ख़त्म होती है। उसी के साथ उर्स का जो है ना वो समापन हो जाता है और 1:15 बजे के आसपास फातिहा होती है। फातिहा होने के बाद में मजार शरीफ में दुआ खैर होती है। दुआ में तमाम जो ज़ाहरीन मौजूद रहते हैं वो अपनी अपनी जानिब से भी दुआएं मांगते हैं और तमाम खुदाम की जानिब से उन सब के लिए दुआ होती है कि वो आए, हाज़िरी दी, उनकी हाज़िरी को मीरा सैयद हुसैन कबूल करें और उनकी जितनी दिली तमन्नाएं हैं जायज़ वो सब पूरी हों और हमारे मुल्क के अंदर अमन रहे, भाईचारा रहे, एकता रहे, क्या इन सब के बारे में दुआएं की जाती हैं। और मेहंदी जो धागा जो बंधा रहता है मजार शरीफ में, जो 16 रजब को बांधा जाता है, वो 1:15 बजे के आसपास मजार शरीफ को जो लर्जा होता है उस वक्त ज़ाहरीन मौजूद रहते हैं, वो उस धागे को लूट के लेके जाते हैं, मेहंदी वगैरह को लेके जाते हैं। तो इन दोनों की अलग अलग तासीर है।
मेहंदी जिस बच्चा बच्ची की शादी नहीं होती है उसके लिए लोग लेके जाते हैं, हाथ पे लगाई जाती है, मीरा सईद हुसैन के दुआ से, सरकार के करम से उसमें कामयाबी होती है। धागा वगैरह जो लेके जाते हैं, किसी भी परेशानी में मुब्तला है अगर कोई आदमी तो उस धागे को बांधे, इनके करम से हर जगह उसको कामयाबी मिलेगी। क्या मेरा नाम है सैयद जलाल हुसैन, साबिक सदर पंचायत खुद्दाम सैयदजादगंज दरगाह मीरा साहब तारागढ़ अजमेर। वोट गुरु का प्रशिक्षण हुआ शुरू, 550 वोट गुरु घर घर जाकर करेंगे जागरूक। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि वोट गुरु के रूप में उन शिक्षकों को तैनात किया जा रहा है जिन्हें हाल ही में जिला परिषद के माध्यम से नियुक्ति मिली थी, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण वे कार्य ग्रहण नहीं कर पाए। ये वोट गुरु बीएलओ के साथ मिलकर काम करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि वोट गुरु प्रत्येक बूथ पर तैनात होंगे, प्रत्येक के पास 30 से 40 घरों की जिम्मेदारी होगी। इस बार निर्वाचन आयोग के निर्देश दिए हैं कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग की मतदाता पर्चियों के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखवाने पर ही मत देने दिया जाएगा। वोट गुरु ये भी तय करेंगे कि उनके क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता के पास फोटोयुक्त पहचान पत्र हो। अगर किसी मतदाता के पास फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं हो तो वोट गुरु मतदाता को पहचान पत्र दिलवाने के लिए सहयोग करेंगे। आज सभी नव नियुक्ति शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और अजमेर शहर की दोनों विधानसभा पर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाएगा जो हिंदुस्तान में पहली बार होने जा रहा है। शिक्षा कमेटी जिला मतदाता शिक्षा कमेटी अजमेर के द्वारा आज यहाँ पर जवाहर रंगमंच में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में 518 जो नव चयनित शिक्षक है उनको अजमेर शहर में दो विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण में वोट गुरु का दायित्व भार दिया जा रहा है। ये जो वोट गुरु है वो हर एक मतदाता को से संपर्क करेंगे और उन्हें क्या कि अपने वोट देने के लिए आग्रह करेंगे। और अभी जो मेरे साथ में जो अशोक जी है ये बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बहुत अच्छे डांसर हैं। ये क्या है कि हमारे जो टीम के द्वारा एक गीत लिखा हुआ है उस पर डांस करके नाच करके उनके बोल ये है कि साहब वोट का दिन आया है और आप वोट देने जाओ। इस तरह से जो लोकल डायलेक्ट है स्थानीय भाषा उसमें वोट के लिए आग्रह कर रहे हैं और ये जो चुनावी पाठशाला का एक हिस्सा होगा। इस तरह से अजमेर शहर में और पूरे अजमेर ज़िले में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सभी प्रकार के राजकीय और निजी विद्यालयों में प्रत्येक बूथ पर चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये संभवतः शायद देश में पहली बार होगा कि वोट गुरु के साथ में हर एक व्यक्ति जो है वोट के लिए हर मतदाता को समझाएगा, जिसमें दिव्यांग मतदाता, वृद्धजन मतदाता और गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर से क्या है कि उनको समझा करके उनके लिए सुविधाएं जुटाई जाएगी और उनको क्या है कि 11+1 जो डॉक्यूमेंट है चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है उन डॉक्यूमेंट की सहायता को लेकर के जो मतदान के दिन मतदान करने के लिए संकल्प लेंगे और आग्रह करेंगे। आज की मुख्य कौन आए आज की इस मीटिंग में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर से सम्माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं वो आए हैं और क्या है कि जो इस पूरे काम को देख रहे हैं स्वीप के इंचार्ज हैं और दूसरे जो है एसीओ साहब आए हैं जो अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से वो वर्मा जी सर है वो आए हैं। तो इस तरीके से वर्मा जी सर और सीओ साहब आए हैं और मैं स्वयं जिला मतदाता शिक्षा कमेटी का सदस्य रामविलास जांगीड़ हूँ और मेरे साथ में पूरा दल है और इस तरीके से क्या है कि ये अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण में सभी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। झूलेलाल जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में आयोजित हुई डांडिया प्रतियोगिता, बड़ी संख्या में सिंधी समाज से जुड़े लोगों ने लिया भाग, सिंधी वेशभूषा में दी रंगारंग प्रस्तुति। अजमेर झूलेलाल जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में 25 दिवसीय कार्यक्रम की कड़ी में भारतीय सिंधु सभा अजयनगर इकाई व JMT टूर व ट्रैवल की ओर से पर्वत उद्यान में डांडिया छेज प्रतियोगिता के आयोजन में 10 टीमों ने सिंधी वेशभूषा में प्रदर्शन करते हुए अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी। कार्यक्रम संयोजक रमेश लखियाणी ने बताया कि ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वामी रामस्वरूप दास ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि सिंधी व विभाजन के पश्चात हमने अपने वेशभूषा व हमारे प्रदर्शन में कोई बदलाव न आए, इसलिए इन छेज डांडिया जैसी प्रतियोगिता में हमें अपनी पारंपरिक वेशभूषा में करनी चाहिए। समारोह समिति व भारतीय सिंधु सभा द्वारा किया गया प्रथम प्रयत्न आने वाली पीढ़ी को इन सब सीखों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज का प्रोग्राम सिंधी छेज प्रतियोगिता है, यह भारतीय सिंधु सभा और JMD की तरफ से करी गई है। भारतीय सिंधु सभा आए दिन ऐसे प्रोग्राम करा थी जिसमें सिंधियत जल के सिंधी छेज आजकल कम लोग लगा रहे हैं, इसीलिए इस प्रोग्राम का आयोजन करा गया है। पार्वती उद्यान अजयनगर अजमेर में करा गया है जहां 10 टीमों ने भाग लिया है जिसमें साईं स्वरूपदास जी हिलटॉप मनोहर उदासीन आश्रम उन्होंने आशीर्वाद दिया है, साईं ओमलाल जी उन्होंने यहाँ आशीर्वाद आके दिया है
यहाँ पर कम से कम 400 लोग आए इस कार्यक्रम को देखने के लिए। आपका नाम? मोहन कोटवानी, सिंधु सभा संगठन मंत्री। एनसीसी के सभी विद्यार्थियों ने कलेक्टर के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस भर्ती में विशेष लाभ दिए जाने की करी मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अजमेर एनसीसी कैडेट को राजस्थान पुलिस भर्ती में विशेष लाभ दिए जाने को लेकर एनसीसी के सभी विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एनसीसी विद्यार्थियों ने कहा कि राजस्थान राज्य में सभी एनसीसी कैडेट को जिन्होंने सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उन्हें भारतीय सेना की भर्ती में लिखित परीक्षा की छूट दी जाती है। उसी तरह सेना भर्ती की एनसीसी कैडेट को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत लिखित परीक्षा में छूट दी जानी चाहिए। गौरतलब है ये राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है, उसके बावजूद भी एनसीसी के विद्यार्थियों ने कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आज अजमेर एनसीसी के सभी कैडेट्स और भूतपूर्व कैडेट्स ने मिलकर एसडीएम को और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने की सोची और सभी ने एकत्रित होकर हम ज्ञापन देंगे। राजस्थान पुलिस की भर्ती जो 12,000 पदों पे जो आ रही है उसके एवज में हमने ये ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि आर्मी में जिस तरह से एनसीसी कैडेट्स के सी सर्टिफिकेट वालों का पेपर माप होता है वैसे ही राजस्थान पुलिस में पेपर माप हो, क्योंकि इसका कारण ये है कि एनसीसी करने में 3 साल लगता है। 3 साल के वक्त में हमारी 21 साल की जो लिमिटेड उम्र है आर्मी की वो पूरी हो जाती है और नहीं तो हमें फायदा आर्मी में मिल पाता है और राजस्थान पुलिस में हमारा पेपर माप नहीं होता, इस कारण हमारी मेहनत का पूर्ण फायदा नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव लग चुके हैं, आचार की बात याद आई आज? हमें आचार संहिता से मतलब नहीं है, हम छात्र हैं, हमें नेता नहीं बनना है, हमें नौकरी लगनी है, हमें हमारी मांग करनी है और हमें राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है तो हम चाहते हैं कि उस भर्ती में ही हमें लाभ मिले, क्योंकि जब तक आचार संहिता पूरी होगी लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद कौन सी सरकार आएगी क्या प्रोसेस रहेगा वो हमें नहीं मालूम है, हमें फायदा चाहिए। दिन से क्यों चुप बैठे थे, आचार संहिता पे क्यों याद आई? आचार संहिता से हमें नहीं मतलब, हमें जब इसका विज्ञापति जारी हुई है राजस्थान पुलिस की भर्ती की तभी हमने ये ज्ञापन देने की सोची है और सभी की मांग दी है। हमने सभी 50 कैडेट्स ने इकट्ठे होकर ये ज्ञापन दिया है और कलेक्टर से हम ये मांग करते हैं कि हमारा पेपर माफ किया जाए और हमारी जो 3 साल की मेहनत हम करते हैं जो 70% हम आर्मी का अंग है उसकी हमें पूर्ण पूर्ण फायदा मिले, हमारी मेहनत का फायदा मिले, हम यही चाहते हैं राजस्थान पुलिस में हमारा पेपर माफ हो। दिनेश चौधरी, छात्र प्रतिनिधि। ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए अजमेर से भी रवाना हुई 2 बसें। अजमेर से ओबीसी प्रकोष्ठ के 100 कार्यकर्ता पहुंचे दिल्ली, आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे संबोधित। अखिल भारतीय कांग्रेस की ओर से आज रामलीला मैदान में ओबीसी प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें कल रात अजमेर से भी 2 बसें रवाना हुई, जिसमें करीब 100 कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए। आज रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन्हें संबोधित करेंगे और पार्टी की रीति नीति से अवगत करवाएंगे। इसलिए जा रहे हो? आज हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर ऑल ओवर इंडिया ओबीसी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सम्मेलन दिल्ली में रखा गया इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। कल 11 बजे हम लोगों को संबोधित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और हम राजस्थान से हर जिले से 4-4 बसें जिसमें देहात को 2 और 2 शहर को दिए और हम भर के लेके जा रहे हैं। ओबीसी कांग्रेस की तरफ से हम दिल्ली कल 11 बजे पहुँचेंगे और राहुल गांधी जी के अभिभाषण को सुन के हम देश के अंदर जो भी हमारे राहुल गांधी अध्यक्ष जी हमें आदेश करेंगे उसकी हम लोग पूरी पालना करेंगे। आप कहाँ से और कितने लोग लेके जा रहे हो? हम जा रहे हैं अजमेर शहर से, हम 2 बसें लेके जा रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर करीबन मान लो 100 से ऊपर आ जाएंगे। महेश चौहान, ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष। रेलवे की नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला युवक गिरफ्तार, रामगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किया गिरफ्तार। रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर युवक के साथ लाखों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया, जिस पर रामगंज थाना पुलिस ने आरोपी सरताज और उसके साथी को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पीड़ित की शिकायत के अनुसार सरताज और उसके साथियों ने उसे रेलवे में नौकरी दिलवाने का झांसा दिया और उससे 7 लाख रुपए ले लिए, फिर युवक को कई दिनों तक झांसा देते रहे। इस मामले को लेकर पीड़ित ने रामगंज थाना में मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस ने जांच कर दोनों आरोपियों को जेल से गिरफ्तार किया है, जो नसीराबाद में युवक के साथ धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद है। इनके कई और साथी भी जिनकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश है, क्योंकि शातिर आरोपियों ने कई और भी सीधे साधे लोगों को अपना जाल में फंसाया है, जिनसे पुलिस पूछताछ में जुटी है। 12 मार्च 2019 को परिवादी अमर सिंह है, जो खानपुरा का रहने वाला है, थाने पे के रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि सरताज, फिरोज, हैदर और नेहा इन्होंने धोखाधड़ी पूर्वक रेलवे में भर्ती कराने के नाम पे 7 लाख रुपए ले लिए थे, भर्ती भी नहीं करवाया और पैसे भी वापस नहीं दिए। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया, अनुसंधान के दौरान सरताज और फिरोज
जो किसी अन्य मामले में न्यायिक परीक्षा में चल रहे थे, माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके उनको कल केंद्रीय कारागार से गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान किया जा रहा है। सर, और किसी के साथ भी करी, कितने दिनों के साथ करी उन्होंने? दो प्रकरण इनके नसीराबाद में दर्ज हैं, उसमें ये न्यायिक परीक्षा में चल रहे थे और एक ही अमर सिंह है। इसके अलावा भी कई कई लोग हैं जिनके साथ में इस तरह की धोखाधड़ी की है। 31 मार्च से आजाद पार्क में आयोजित होगा सिंधी समाज का मेला। आज स्वामी सूरदास और स्वामी ओम साई के सानिध्य में हुई भूमि पूजन। मेले में होंगे अनेक कार्यक्रम। 31 मार्च को सिंधु समिति की ओर से आजाद पार्क में मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आज आजाद पार्क में भूमि पूजन का आयोजन किया गया। भूमि पूजन स्वामी सूरदास और स्वामी ओम साई के सानिध्य में संपन्न हुआ। 31 मार्च को मेले के शुभारंभ और समापन दोनों ही स्वामी संतों द्वारा होगा। मेले में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी हाँ जी, भैया बताइए, आने वाले रविवार को 31/3/2019 को आजाद पार्क में जो सिंधियत मेला लगाया जा रहा है, उसके लिए आज भूमि पूजन किया गया आजाद पार्क में ही, जिसमें साईं ओमलाल जी, साईं फतनदास जी, साईं स्वरूपदास जी और आदर्श शंकर के दादा ट्रस्टी नारायण दास जी के सानिध्य में ये आज संपन्न हुआ। 31 तारीख का जो मेला लगाया जाएगा उसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे जाएंगे और एक रिफिल ड्रा भी खोला जाएगा और मेला शाम को 4 बजे संतों के आशीर्वाद से ही संपन्न होगा, शुरुआत की जाएगी और उसके बाद विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। आपका परिचय? मेरा महेश इसरानी। शीतला सप्तमी परंपरा के अनुसार श्रद्धा सुमन के साथ मनाई। आधी रात को लोढ़ा परिवार ने की पहली पूजा। मंदिर में आधी रात से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बुधवार को शीतला सप्तमी परंपरा के अनुसार मनाई गई सुभाष उद्यान के सामने शीतला माता मंदिर पर आधी रात को लोढ़ा परिवार ने पहले पूजा की। इसके बाद मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जो बुधवार दिन तक जारी रही। हर साल की तरह शहर का मुख्य शीतला मेला दौलतबाग के सामने भरा, जिसमें शहरी और ग्रामीण अंचलों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हिंदू मान्यता के अनुसार होली के बाद आने वाली सप्तमी को शीतला सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों में व्यंजन जैसे हलवा, पूरी, रबड़ी, पुए, पापड़ी, पोहा, दही, गुंजिया बनाते हैं और माता शीतला के अपर्ण कर घर परिवार के लोग ठंडा भोजन करते हैं। परंपरा के अनुसार पहला भोग रात 12 बजे लोढ़ा परिवार द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद श्रद्धालुओं ने माता को ठंडा भोजन समर्पित कर ढोक लगाई। मान्यता है कि शीतला माता के परिवार सहित ढोक देने से घर में बीमारियों का प्रकोप नहीं होता। मेले की भीड़, शीतला माता की पूजा करने के लिए लोग आ चुके हैं मंदिर में, घंटों से लाइन में लगे हुए, कब दर्शन आएगा इनके। शीतला माता के ठंडे पकवान इस तरह के चढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ देख रहे हो काफी भीड़ मेरे पीछे, मंदिर के पीछे नजर आ रही है आपको। इस तरह से पूजा कर रही जाती है, क्या ठंडा बनाया जाता है? बस एक दिन पहले सब ठंडा बनाते हैं और उसी से माता जी की पूजा करते हैं, दूसरे दिन वही ठंडा खाना खाते हैं, परसों सुबह तक हम वही ठंडा खाना। आज अभी माता के लिए सभी पकवान बनाते हैं। शीतला माता की शीतला माता पर क्या चढ़ाया जाता है? क्या राबड़ी, उलिया, दही, रोटी। हाँ जी, आपका नाम? एकता गांधी। पूजा करी शीतला माता की, क्या शीतला माता जी को पहले सबसे पहले जड़ चढ़ाया, उन्हें फिर कुमकुम और चावल टीका लगाया, मेहंदी लगाई, उसके बाद में भोजन जो बनाया वो प्रसाद चढ़ाया, इस तरह से अच्छे से पूजा की। क्या आज के दिन ठंडा बनाए पकवान जाते हैं? हाँ, एक दिन पहले बनाए थे। एक दिन पहले ठंडा पकवान बनाया गया, सुबह से पकवान ही बनाए जा रहे थे और अब पूजा की थी। कितनी लंबी लाइन लग रही है, कितने घंटे पहले लाइन में आना था? 1 घंटे पहले लाइन में आए, लाइन भी बहुत लंबी है। आपका कोई नाम? कविता लोढ़ा। ये 2 दिन चलता है, आज के दिन तो शीतला माता को पूजते हैं और दूसरे दिन हमारे बोधरी माता को पूजते हैं। 2 दिन मेला चलता है। किस तरह से लंबे लंबे रात को लाइन लगती है? हाँ, बहुत लंबी लाइन लगती है साहब, क्योंकि सबसे पुराना मंदिर है यहाँ। ये सुभाष ने अपने यहाँ दौलतबाग में पहले थे कुत्ता खाने में थी, उसके बाद में फिर यहाँ इसको स्थापना करी। मेरा नाम शक्ति सिंह सांकला, जासे माली। जैसे आज के दिन ठंडा पकवान बनाते हैं, माता के चढ़ाया जाता है? हम लोग पकवान बनाते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करके माता को पूजने के लिए आ जाते हैं। पकवान में गुलगुले होते हैं, लापसी होती है, पूरी होती है और गुड़ के चावल होते हैं, पापड़ होते हैं। क्या मान्यता रखी मैडम जो इसको अपन करते हैं? बच्चों की खुशहाली के लिए किया जाता है बेसिकली ये, तो उसके लिए बच्चे सारी पूरे साल सुख से बिताएं, ठंडे ठंडे रहें, पूरा घर का वातावरण अच्छा रहे, इसके लिए शीतला सप्तमी की पूजा की जाए। दिव्या की उम्मीदवारी के विरोध में स्वर हुए बुलंद बाहरी व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाने की मांग।
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रदेश चुनाव टिकट वितरण समिति द्वारा राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से बाहरी व्यक्ति को टिकट देने के विरोध में स्वर बुलंद होने लगे हैं। भाजपा समर्थक एवं अनेक संगठनों ने दिव्या सिंह को राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाने का विरोध किया। श्री राजपूत कर्णी सेना, रावणा राजपूत सभा, मगरा यूथ विंग सहित अनेक संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्टेशन रोड से चाक गेट तक रैली निकालकर दिव्या सिंह की भाजपा उम्मीदवारी का विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिव्या सिंह मुर्दाबाद, गो बैक दिव्या सिंह आदि नारे लगाकर दिव्या सिंह को टिकट नहीं देने की मांग करी। कंडी सेना के घनश्याम सिंह, यूथ विंग के महिपाल सिंह, चिमन सिंह कहा कि पूरा मेवाड़, मारवाड़ व मेरवाड़ा के लोग जयपुर घराने की दिव्या सिंह को भाजपा का प्रत्याशी बनाने का विरोध करेंगे। पार्टी ने कार्यकर्ताओं की भावना को नजरअंदाज किया है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विरोध करने वाले प्रदीप सिंह जोधा, देवी सिंह, भवन सिंह, देवेंद्र सिंह, मोती सिंह सहित अनेक संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और राजसमंद में जीता मेरा तो राहत विश्वास करते हैं। हम सब ऐसे किसी भी आदमी का विरोध करेंगे, आप किसी को दे दो, लेकिन ऐसे आदमी को जो स्वच्छ छवि हो, जो समाज के लिए काम करता हो, जो विकास करता हो, बाकी अगर नहीं दिया जाएगा तो उसका बीजेपी को हमको करना ही है, लेकिन हम उसका जितना हम काम कर सकेंगे वो नहीं कर पाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम छोटू सिंह। राजसमंद से जो टिकट के लेकर चर्चा चल रही है, इसका हम ये पूरे मेवाड़ की तरफ से विरोध करते हैं। सब समाज ये विरोध करता है कि यहाँ कुमार को यहाँ टिकट नहीं दिया, क्योंकि वो मानसिंह के परिवार से है। मानसिंह का परिवार हमेशा मेवाड़ के विरोध में रहा, इसलिए हम पुरजोर मांग करते हैं कि यहाँ कुमार को यहाँ से टिकट दिया गया है तो बाहर का वो देखना पड़ेगा। बीजेपी से हम सर समाज की ओर से एक मांग करते हैं, या किसी को भी टिकट दे, सर समाज चाहता है कि यहाँ कुमारी के अलावा कोई भी टिकट दे, क्योंकि मेवाड़ का स्वाभिमान की बात है। आपका सुना, ठंडे का भोग लगाया, शीतला माता को मनाया, शीतला सप्तमी की कथा सुन की उत्तम स्वास्थ्य की कामना। शहर में सूरजपोल गेट के अंदर स्थित शीतला माता मंदिर सहित कई मंदिरों में बुधवार को शीतला सप्तमी का त्यौहार धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार मनाया गया। महिलाएं अल सुबह पारंपरिक परिधान में एक दिन पूर्व बनाए गए व्यंजन पकवान और मक्की के दलिये से बनी प्रसाद एवं दही छाछ रूपी ठंडे व्यंजन बेसोड़ा का भोग लगाकर अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। शीतला सप्तमी के पर्व पर बुधवार को चूल्हे नहीं चले, सभी घर वालों ने अपने परिवार सहित ठंडे व्यंजन खाने का आनंद लिया। घरों में मीठे नमकीन एवं तीखे बेसन की खाजा पूरी, रोटियां व पूरी दही छाछ से नमकीन एवं मीठी घाट तथा मक्की की घाट बनाई गई। महिलाओं ने शीतला माता के ठंडे व्यंजन का भोग लगाकर पूजा की। महिलाओं ने मंदिर के बाहर पूजा थाली के साथ कथा सुनकर शीतला सप्तमी की आराधना करते हुए अपने परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। शीतला माता मंदिर के सेवादार राजू भाई ने शीतला सप्तमी के महत्व पर प्रकाश डाला। और आज लुगया पोयार पापड़ीर कीचार पापड़ पचकूटा को साग और तरह तरह का व्यंजन एक दिन पहले मनावे, और उस बासी खाने को आज सील सातम के दिन खाया जाता है। और ऐसी मान्यता है राजस्थान में कि सील सातम के दिन बासी खाना खाने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं और घर के अंदर गरीबी होती है, गरीबी भाग जाती है। शीतला माता का आशीर्वाद रहता है। और शीतला माता राजस्थान के अंदर डूंगरी गाँव जहाँ पे बहुत बड़ा माता जी का मंदिर है सील डूंगरी के नाम से, वहाँ आज के दिन बहुत भारी मेला भरिस्ता है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। आज के दिन ठंडा भोजन करने से घर में सुख शांति रहती है, रोग दोष और हर तरह की समस्या से माता जी निजात दिलाती है, और माता जी का आशीर्वाद उन सभी परिवारों को मिलता है। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com, सच के साथ। Thank you.